गुड मॉर्निंग। देखिए मैं अभी ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आलू और पालक की सब्जी। पालक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आई के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर खाना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए मैं पालक का तो साग बनता ही है, मैं इसमें आलू और साग को मिक्स करके मैं सब्जी ही बना दे रही हूँ। और सभी को मैंने टी भी दे रखा है, और यहाँ मैंने अपने हनी के लिए भी टी बनाया हुआ है, ये देखिए। तो वो टी अभी लेंगे, तो जब तक वो आ रहे हैं टी लेने के लिए, तब तक मैं यहाँ सब्जी बना ले रही हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा का डो भी लगा के रखा है, और पूरी या पराठा, सॉरी रोटियाँ या पराठा बनाऊंगी, देखती हूँ मेरे हनी क्या पसंद करते हैं खाने को, मेरे हनी मेरे बेटे है ना। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो वंस अगेन आई वांट टू से थैंक यू, इसी तरह मेरे वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हमें दीजिए। बने रहिए फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, और देखिए आलू पालक की सब्जी मैंने बनाया है। कैसा लग रहा है देखने में बताइएगा ज़रूर। बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए और खाइए। साग तो सभी लोग खाते हैं, बट इस तरह से भी बना के खाइए, बहुत ही हेल्दी है, आई के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। तो ये मेरे हबी का ब्रेकफास्ट आज का। तो अभी मैं जाऊंगी अभी अपने हबी को ब्रेकफास्ट देने के लिए। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। दोनों बच्चे यहाँ पे देखो मस्ती कर रहे हैं छत पे, धूप हुआ है बहुत दिन के बाद गाइज। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल गौरव एंड श्रुति ब्लॉग। आई एम श्रुति, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स आज मेरा भाई काफ़ी दिनों के बाद आया है, तो मैं आज आपको उसी से मिलवाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, जो मेरा चैनल हमेशा से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो नए नए सब्सक्राइबर मेरे में ऐड हुए हैं, नए नए व्यूअर मेरे में ऐड हुए हैं, तो उनसे मैं अपने भाई को मिलवा रही हूँ। ये है मेरा भाई। हाय एवरीवन, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स सुना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देखिए फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम से मैं इस चैनल में मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए हमारे चैनल को भी, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। भाई गया श्रुति, वही फिर आएगा। देखो गाइस ये कितना बदमाशी करेगी, इधर इधर आओ। देखो 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 देखो, इसको मैं मारूंगा, ये कैसे करेगी, इधर इधर देखो इधर देखो। तो गाइस अब बहुत ज़्यादा सर्दी है, हम लोग रूम में जा रहे हैं, ये बिहार की सर्दी भी कड़ाकेदार की है अभी, ठीक है। हम लोग अभी रूम के अंदर जा रहे हैं, अभी बच्चे का बाहर निकलना बंद, छत पे थोड़ा सा धूप था, तो हमने इसको अभी मतलब साइकिल चलाने का परमिशन दिया, साइकिल चलाया, अब दोनों बच्चा घर के अंदर पैक हो रहे हैं। गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, बने रहिए आप मेरे चैनल पर। गाइस तो बहुत ज़्यादा ठंड है अभी रात की, और रात के अभी क्या है 8 बजे हैं गाइस, और हमें अचानक मार्केट की ओर निकलना पड़ रहा है। आप जानोगे नहीं क्यों, तो आप ब्लॉग में बने रहो, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग नाइट में मतलब लोकल ही शॉप जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। और शुक्रिया बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी है ना। तो देखिए गाइस मार्केट में आए कॉफ़ी लेने के लिए, बहुत ठंडी है ना, ठंडी में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक छोटा ही सा ही शॉप है, यहाँ पे आए कॉफ़ी लेने के लिए, तो घर जाके कॉफ़ी पीने। तो गाइस आ गए घर, और ठंड में हमें जाना पड़ा था कॉफ़ी, तो कॉफ़ी लेने के लिए तो कॉफ़ी लेके आ गए हैं, और अभी हम लोग गर्मा गर्म पियेंगे कॉफ़ी, और आप भी पीते होगे गाइस।
तो अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक मैं भी पीती हूँ कॉफ़ी और आप लोग भी पियो कॉफ़ी। बाय बाय, सी यू सून।